अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बनाने वाले हैं स्पाइसी बेक्ड फिश। ठीक है, बहुत ही मजे की स्पाइसी सी एक रेसिपी है। अगर आप लोग डाइट पर भी हैं तो भी ये बहुत अच्छे से चलेगी, लाइक इट्स यम, सुपर यम। तो आप लोग आए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज करने वाले। कम विद मी। ये हम लोग के पास सारी चीज़ें पड़ी हैं जो हमने यूज़ करनी है, जिसमें हम लोग के पास ये फिश है, पेनगैसिस है। आप लोग किसी भी टाइप की फिश यूज़ कर सकते हैं। मैं ये इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और दूसरा ये बोनलेस है। ठीक है, सिरका यूज़ करना है, चिली सॉस यूज़ करनी है, सॉल्ट है, हल्दी है, रेड चिली है। हम लोग के पास ये अदरक और जिंजर और गार्लिक पेस्ट है। ठीक है, इसको आप लोग बेहतर कूट सकते हैं, ये आप लोगों ने यूज़ करना है। काली मिर्च है, और हम लोग के पास ये गरम मसाला है, ये लेमन है भाई, और ये खटाई पाउडर है, और ये तिक्का पाउडर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इनको मिक्स करते हैं। चलिए, अब हम लोग इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डाल रहे हैं हल्दी। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी है, ये इसमें चली गई है हल्दी 1/4 टीस्पून। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डालनी है इसमें रेड चिली, ये रेड चिली चली गई है। ये सॉल्ट चला गया भाई इसके अंदर। इसमें हम लोग डाल रहे हैं लेमन जूस, और इतनी ही क्वांटिटी में हम लोगों ने बाद में इसमें विनेगर ऐड करना है। ठीक है, ये हम लोग को गरम मसाला पाउडर चला गया, क्वांटिटीज आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। काली मिर्च पाउडर चला गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया, ये हम लोग का चिकन टिक्का मसाला है, ये जा रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर जा रहा है खटाई पाउडर। ठीक है, अब इसमें हम लोग डाल रहे हैं चिली सॉस, सिरका, इसको मिक्स कर लिया सारे को अच्छे से। मिक्सिंग के बाद आप लोग यहीं पे टेस्ट कर लें, आपको अगर इसमें कोई चीज़ कम लगती है तो आप लोग ऐड कर लें। ये हम लोग के पास फिश है जिसको हम डायरेक्टली इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, और इसको आप मसाले लगा लें। ठीक है, मैरिनेट कर लें, और आप लोगों ने आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखना है। ठीक हो गया, मिक्स करके अच्छी तरह। जी 30 मिनट्स हो गए, और अब हम लोग जो है एक फॉइल का पीस कट किया, उसमें आप लोग अपनी फिश को उठा के इसी तरह रख दें। मसाला सारा आप लोग इसके ऊपर डाल दें, सारा जैसे भी जो भी बच जाता है ना, ताकि दोनों साइड्स पे जो है ना इक्वली मसाला आ जाए। ठीक है ना, ये इसको फोल्ड कर लें। ठीक हो गया, पॉकेट से बना के इसकी। इसको आप रख दें और इसको आपने बेक कर लें। अच्छा जी, 15 मिनट्स के लिए हमने अपने ओवन को प्री हीट किया 180 डिग्रीज पे। अब हम लोग इसको जो है 25 मिनट्स के लिए बनाने वाले हैं 180 डिग्री के। अच्छा, आप लोग चाहें तो आप लोग इसको स्टीम कुक भी कर सकते हैं चूल्हे के ऊपर। आप चूल्हा ऑन करें, इस पर बड़ी सारी देगची रखें। ठीक है, उस देगची के अंदर आप लोगों ने पानी डालना है। ठीक है, ग्रिल रखनी है और ऊपर अपना बर्तन रखना है जिसमें आपका ये फॉइल में बंद हुआ, और ढक्कन आपने बंद कर देना है। ये इजीली आपका चूल्हे पर भी बन जाएगा। बेकिंग इज ईजियर, इस वजह से मैं इसको बेक कर रही हूँ, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये गया ओवन में, और इसको हमने बनाना 25 to 30 मिनट्स के लिए। मैं फिर भी 30 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ, और 5 मिनट्स पहले आके मैं इसको देख लूँगी। सो अब मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस फ्यूचर में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि जो भी रेसिपीज हम लोग ओवन में बना रहे हैं उनको हम लोग चूल्हे पर किस तरह बना सकते हैं, सो दैट द पीपल हु डोंट हैव ओवन वो लोग क्या होते हैं चूल्हे पर भी इजिली बना सकें। ठीक है, सो गाइज, हम लोगों की
फिश का टाइम अप हो गया. मैंने थोड़ी देर पहले आगे चेक किया था, उसमें कुछ ऐसा फील हो रहा था कि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है, वो ड्राई हो सकता है, तो मैंने 10 मिनट्स के लिए और इसको पकने के लिए रखा था. तो अभी मैंने इसको फॉइल पे ओपन कर लिया था ताकि पानी थोड़ा ड्राई हो जाए, ठीक है. और अभी हम लोग इसको निकालते हैं ओवन में से. मुझे अपने जो है ना बेकिंग ग्लव्स लेने की अशद जरूरत है, अगर मुझे कुछ चीज़ गिफ्ट करनी है ना जस्ट इन केस, तो मुझे ना ग्लव्स गिफ्ट करनी. जस्ट टेलिंग इट बिफोर एंड, ठीक है जी. अगर मैं पकता हूं यू मेड इट अ लॉट इजीियर फॉर मी. अपने हिसाब से इसको जो है ना गार्निशिंग वगैरह कर सकते हैं. साथ सैलड यूज़ करना है सैलड यूज़ कर लें, आपको राइस यूज़ करना है आप लोग राइस भी यूज़ कर सकते हैं. मैं नॉर्मली इसको लेटस और अनियंस के साथ खाना पसंद करती हूँ, तो मैं सिर्फ लेटस यूज़ करूँगी, अनियन नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि मेहताब भी खाएगी तो वो जो है ना उसको अनियन नहीं पसंद. सो जस्ट गोइंग विद द लेटस. अब इसके अंदर हम लोग डालने लगे हैं अपनी फिश. सामने इसकी टेस्टिंग करती हूँ और बताती हूँ कैसा लगा है मुझे. इट्स गुड, आई रियली लाइक इट. एक तो मैं आजकल जिम जा रही हूँ और बहुत हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से अगर आपको इतना यमी यमी खाने मिलते रहना तो आप बहुत जल्दी अपना वेट लूज कर देंगे. सो डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा. आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो थम्स अप and subscribe to my channel. Take care of yourselves and Allah Hafiz.